हाय फ्रेंड्स, केम छो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, में स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूं अबू धाबी की सिटी टूर के ऊपर, जिसमें इंक्लूडेड है कसर अल वतन पैलेस, डेट मार्केट, फ्रूट मार्केट। और आज तो भाई आसिफ भाई अपने साथ में रहेंगे, जो अपने कैब ड्राइवर है वो अपने को घुमाएंगे, देखते कौन सी और जगह लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ए हेलो, तो दोस्तों अबू धाबी सिटी टूर के अंदर सबसे पहले हम लोग देखने आए हैं शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। तो भाई साहब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, टोटल 12 हेक्टर का एरिया है। और भाई क्या जबरदस्त लग रहा है, एकदम व्हाइट व्हाइट पूरा। अगर आप फिजिकली डिसेबल हो, देखिए ये गाड़ी भी आपको देखने मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, प्लस यहाँ पे व्हील चेयर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अंदर जाते बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ पे नक्शी काम बेसिकली आपको मैं बोलता हूँ देखने लायक रहता है। अंदर जाते हम लोग भी पूरा मॉस घूमते, अब यहाँ पे डिटेल्स मेरे को बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो आप भी देखिए नज़ारों का मजा लीजिए, हम भी मजा लेते हैं, आइए चलिए। तो दोस्तों हो गया अपना ग्रैंड मॉस्क घूम के, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया बना है। तो अभी यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाहर बेसिकली एक स्कैन कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन कीजिए, अपने जितने भी विजिटर है उसकी डिटेल डालिए। अगर वो चल नहीं रहा है, फिजिकली एक रजिस्ट्रेशन का जगह भी है, वहाँ पर भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और बाकी अगर आप फीमेल विजिटर हो तो आपको अंदर जाने के लिए ये कपड़ा पहनना ज़रूरी है, बेसिकली आपका हेड ढका हुआ होना चाहिए, ये इनका मेन क्राइटेरिया रहता है। तो चलिए निकल रहे अभी यहाँ से, देखते अभी नेक्स्ट जगह हम लोग कौन सी जाते हैं। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ गया है अपना, जो है एमिरेट्स पैलेस। मैंने आप लोग को गलती से कसर अल वतन बोला था, कसर अल वतन हम लोग नहीं जा रहे। कसर अल वतन जाना रहेगा तो आपको पेड एंट्री करना पड़ेगा, मगर फिर भी हम लोग के पास टाइम नहीं है वो जाने के लिए, तो हम लोग फिलहाल आए एमिरेट्स पैलेस। आइए चलिए अंदर जाते, देखते कैसा है पैलेस। भाई साहब इनका हाइट देखो, जो गाड़ी के लिए खड़े कम से कम 7 फीट का हाइट रहेगा इनका मिनिमम। Thank you.
ये जो पिक्चर है, ये इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये जायद के सेकंड बेटे हैं। और ये जो है साइड में जो है इनको, इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, इन्हों दुबई के प्रिंस है अभी करंट, इन्हों अभी प्रेसिडेंट है यूएई के, और प्रिंस है। तो एमिरेट्स पैलेस के बाहर सामने का नज़ारा देखो, बहुत सुंदर। और यहाँ पे है ये वाला कसर अल वतन पैलेस। तो आइए थोड़ा फोटोग्राफ्स खींचते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये है कसर अल वतन का एंट्री पॉइंट। भाई सामने क्या है ये अटलांटिस जैसा? इसका नाम है सर मरीना रेक्सोस। ये अबू धाबी का, ये लोग दुबई को जैसा कॉपी करते हैं ना अटलांटिस, वैसा बना है लोग। हाँ। तकरीबन लोग इसको देख के वही समझते हैं अटलांटिस है, लेकिन अटलांटिस दुबई में है। मुझे भी अभी लगा, मैंने जब उधर पैलेस से देखा था, एमिरेट्स पैलेस से, मेरे को भी लगा अटलांटिस इतना नजदीक कहाँ से गया। देखा मैंने अभी लिखा हुआ है रेक्सोस या रेक्सोस कुछ लिखा हुआ है नाम उसके ऊपर। तो दोस्तों हम लोग आए दर्शन करने के लिए श्री स्वामीनारायण जी के मंदिर में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने मेरे हिसाब से 4-5 महीने पहले ही किया था। तो आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। अगर मोबाइल कैमरा अंदर अलाउड रहेगा तो आप लोग को भी डिजिटली दर्शन कराऊंगा। फिलहाल बहुत सारी पब्लिक निकल रही है, बज रहे रात के 8, तो जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। भाई साहब, कभी सोचा था शू रखने का स्टैंड एसी रहेगा? मेरे पीछे देख रहे हो, शू स्टैंड है जो एसी है। आइए चलिए ऊपर चलते हैं और मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हो गई अपनी अबू धाबी की सिटी टूर कंप्लीट और पहुंच चुके हम लोग दुबई। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को देखने मिलेगा दुबई का अपना होटल, अंदर की क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसा रहता है, अपना एक्सपीरियंस और फूड रिव्यू भी करेंगे। तो होपफुली आप लोग को ये व्लॉग में मज़ा आ रहेगा। अगर मज़ा आ रहेगा एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड नाइट एंड बाय बाय।